असलकुम ग्रेट फाइव हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग गड ओके ग्रेट फाइव दिस इज़ यर इंग्लिश क्लास एंड एज यू ऑल नो दैट वी वर स्टार्टिंग यूनिट नंबर टू पेज नंबर नाइन फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट का हमने जो यूनिट नंबर टू है इंग्लिश का उसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया था उसका आज हम थर्ड पैराग्राफ और दो लाइन्स करेंगे नो सॉरी सेकेंड पैराग्राफ और दो लाइन्स करेंगे एंड ये पेज नंबर नाइन पे ओके सो ग्रैब योर बुक्स एंड पेंसिल्स ओके ग्रेड नाइन ग्रेड नाइन ग्रेड फाइव सॉरी ग्रेड फाइव दिस इज़ पेज नंबर नाइन यूनिट नंबर टू इट इज़ ओके तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने कर लिया था पेज नंबर नाइन पे इंग्लिश की बुक में और आज हम यूनिट नंबर टू का सेकंड पैराग्राफ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड करूँगी ठीक है और रीड करने के बाद आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी फ्रॉग्स आर स्मॉल smooth-skinned क्रीचर्स that लाइक like वेट swampy एरियाज़ अच्छा बच्चे जब मैं रीड करती जाऊँ तो आप अपनी बुक की तरफ देखा करो ओके बुक में आप फिंगर भी जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ फिंगर रखा करो ठीक है Page number 9. Frogs are small, smooth skinned creatures that like wet, swampy areas. They lay eggs called frog spawn, and little tadpoles come out of the eggs. Frogs have very strong hind legs, so they are great at jumping. Some animals such as owls, badgers, hedgehogs and foxes are nocturnal creatures, which means they come out at night. You might hear long-eared owls hooting in the woods at night. Okay, तो ये हमने read कर लिया, ठीक है? थीके? अब मैं आपको इसकी explanation करके दूँगी, इतना ही है जो बाकी आई थिंक फाइव सिक्स लाइन्स रहती हैं वो हम अगले वीक में करेंगे फ्रॉग्स आर स्मॉल फ्रॉग्स जो होते हैं ये छोटे होते हैं स्मूथ स्किन 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 यानी जल्द ठीक है जो आपकी जल्द होती है तो इनकी जल्द क्या होती है स्मूद होती है स्मूद मीन्स सॉफ्ट ठीक है रफ़ जल्द नहीं होती इनकी बहुत ही इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही स्मूद होती है तो फ्रॉक्स क्या हैं ये स्मूद स्किनड होते हैं और ये स्मॉल होते हैं क्रीचर्स मीन लिविंग थिंग्स तो ये क्या हैं लिविंग थिंग्स हैं ठीक है दैट लाइक वेट जिनको क्या पसंद है वेट एरियाज वेट यानी गीला ठीक है पानी वाला स्वैम्पी एरियाज स्वैम्पी बिटा जहाँ पे पानी खड़ा हो ठीक है वो जगह जहाँ पे पानी खड़ा हो तो उनको वही एरियाज़ पसंद होते हैं जो कि गीले होते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है यूजुअली पता है हमारे घर में भी बहुत होते हैं क्योंकि हमारे घर के साइड पे नाला है और नाले में पानी होता है तो यस दे लाइक वेट एरियाज़ गीले एरियाज़ इनको पसंद है जहाँ पे स्वैम्स हों पानी खड़ा हो जहाँ पे तो ऐसे एरियाज़ इनको पसंद है और ये स्मॉल होते, है, होते हैं स्मूथ स्किन क्रीचर्स होते हैं यानी लिविंग थिंग्स होते हैं ठीक है दे ले एग्स वो अंडे डालते हैं ठीक है थीके? ले मीन डालना ठीक है वो अंडे डालते हैं कॉल्ड फ्रॉक स्पॉन जो फ्रॉक्स के अंडे होते हैं उनको क्या कहते हैं फ्रॉग स्पॉन ठीक है इन पिक्चर्स में आप ये डॉट डॉट देख सकते हो ब्लैक ग्रे कलर के हैं ये छोटे बिल्कुल ये जो डॉट डॉट्स है ये एरिया थोड़ा सा ये ये लंबे वाले टेल वाले नहीं जो बिल्कुल ये डॉट dot डॉट्स है ठीक है राउंड राउंड ये फ्रॉक के अंडे हैं इनको क्या कहते हैं फ्रॉक स्पॉन ठीक है तो फ्रॉक के अंडों को क्या कहते हैं फ्रॉक स्पॉन ठीक है हम चिकन के अंडे को भी एग कहते हैं और इसी तरह लेकिन जो फ्रॉक के अंडे होते हैं उसको हम फ्रॉक स्पॉन कहते हैं फ्रॉग uh, एग्स नहीं कहते है, ठीक है एंड लिटिल टेड पोल्स कम आउट ऑफ द एग्स अब ये जो एग्स है गोल गोल ठीक है इनमें से टेट पोल्स निकलते हैं टेटपोल्स क्या होते हैं छोटे छोटे फ्रॉक के बेबीज ये जो आप लंबे लंबे देख रहे हो ना ठीक है ये जो इधर से उधर जा रहे हैं ये जो बिल्कुल लाइन की तरह है ठीक है ये जो है हाँ ये टेट पोल्स हैं ठीक है और आई थिंक इसको पश्तों में करेड़े कहते हैं नहीं करेड़े तो फिश के बच्चों को कहते हैं लेकिन ये बिल्कुल करेड़ो जैसा होता है ठीक है आ, जब हम छोटे होते तो हम पकड़ने की कोशिश करते थे बहुत सारे आ, जो पानी के एरियाज होते हैं वहाँ पे ये बहुत होते हैं ये जो आप देख रहे हो ना ये जो बिल्कुल लाइन की तरह है ये दो लंबे लंबे ये जो आप क्रॉस देख रहे हो ये टेट पोल्स है और ये जो इसके साथ गोल गोल है ये है फ्रॉक्स पॉन यानी अंडे फ्रॉक के अंडे तो फ़्रॉक के अंडों से फिर क्या बन जाता है टेडपोल ठीक है अच्छा अब हमने ये लाइन तो पढ़ ली Frogs have very strong hind legs. Hind means बेटा जो front होता है आगे के ठीक है तो इनके जो आगे के legs होते हैं ठीक है ठीके? वो frogs के very strong होते हैं ठीक है ठीके? Frogs have frogs के पास very strong बहुत मज़बूत hind legs. Front के जो legs होते हैं आगे के जो टांगे होती हैं वो बहुत मज़बूत होती हैं so दें इसीलिए वो आर ग्रेट एट जंपिंग कूदने में जबरदस्त है ठीक है इसीलिए वो बहुत अच्छी छलांग लगाते हैं आपने देखा हुआ है ना फ्रॉग्स की जंप को ठीक है तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह एकदम से छलांग लगा देते हैं क्यों क्योंकि उनके जो फ्रंट के लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रोंग होते हैं ठीक है अच्छा सम एनिमल्स कुछ जानवर सच एज आउल्स आउल्स क्या होता है बेटा जो रात को हम उसको बात तो नहीं होता नहीं सॉरी चमगादड़ भी नहीं आपकी टीचर सब कुछ भूल जाती है <laughs> सॉरी आउल्स जो होते हैं ये रात को निकलते हैं ठीक है थीके? वो जो दो बड़ी बड़ी आँखों वाला अगर आप अपने पेज नंबर नाइन की बुक में देखो ना तो बिल्कुल ये जो ऊपर चिड़िया सी बनी हुई है जो बड़ी बड़ी आँखें हैं ठीक है थीके? ये आउल है ओके तो बहुत सारे एनिमल्स जिसमें आउल्स हैं बैजर्स है ठीक है इस पिक्चर में आप देखो यस yes. ये है आउल दिस ये ग्रे कलर का दिस इज आउल ठीक है अब हमारे पास नेक्स्ट है बैजर ठीक है ये ये बैजर है ठीक है हेज हॉग्स हेज हॉग ये हेज हॉग है ये जो बिल्कुल कोने पे है ओके हेज हॉग्स एंड फॉक्सेस यहाँ पे शायद फॉक्स भी हो ये रही ये फॉक्स है ठीक है फॉक्स तो लोमड़ी होती है और आई डोंट नो हैजहाग्स और बैजर्स एक्चुअल में हमने कभी खुद नहीं देखे तो अब हम क्या कह सकते हैं इन सब की पिक्चर्स आपकी बुक में भी है तो ये जो एनिमल्स होते हैं आउल्स हैं बैजर है हैजहाग है फॉक्सिस है ये नॉक्चरनल आर नाक्चरनल क्रीचर्स नॉक्चरनल क्रीचर्स क्या होते हैं जो नाइट टाइम एनिमल्स होते हैं ठीक है वो लिविंग थिंग्स वो क्रीचर्स जो कि नॉक्चर्नल हैं जो रात को निकलते हैं ठीक है आप इस पिक्चर का टाइटल पढ़ो तो ऊपर लिखा है नाइट टाइम एनिमल्स ठीक है तो ये लोग रात को निकलते हैं हैंजहा फॉक्स है, है आउल है ये सारे कब निकलते हैं ये रात को निकलते हैं विच मीन्स दे कम आउट एट नाइट है नॉक्चरनल क्रीचर्स वो एनिमल्स जो कि रात को बाहर आए यू माइट हीयर आपने सुना होगा लॉन्ग ईयर्ड आउल्स हुटिंग इन द वुड्स एट नाइट अगर कभी जंगल में आप रहे हो कभी घूमने के लिए नथियागली या कलाम साइड पे गए हो तो वहाँ के जंगलों में रात को जो बड़ी बड़ी ईयर्स वाला जो आउल होता है ठीक है जो इस पिक्चर में है ठीक है तो वो क्या करता है वो रात को हुटिंग करता है आउल की जो आवाज़ वो निकालता है तो उसको हुटिंग करते हैं ठीक है अजीब सी आवाज़ होती है वो कुकू कुछ इस तरह की आवाज़ होती है उसकी ठीक है ये आपने सुनी होगी रात को जंगलों में ठीक है और इसके कान जो होते हैं आउल के ये थोड़े से लंबे होते हैं तो वो रात को क्या करता है हुटिंग करता है ठीक है जैसे चिकन जो होता है वो कुकुकू करता है, है ना तो ये जो आ, आ, क्या कहते हैं आउल होते हैं ये रात को हुटिंग करते हैं जो इनकी आवाज़ जो निकलती है उसको हुटिंग कहते हैं ओके okay, बेटा दैट्स इट फॉर योर दिस वीक वर्ड्स मीनिंग की तरफ आते हैं स्मूद सॉफ्ट क्रीचर्स लिविंग बींग्स स्वैम्पी वेट एंड मॉइस्ट सर्फेस वो सर्फेस या वो जगह जहाँ पे uh, गीलापन हो और जो मॉइस्ट uh, हो यानी गिली हो ठीक है या जहाँ पे पानी जमा हुआ वो हाइंड लेग्स फ्रंट लेग्स ठीक है बाकी हुटिंग मैंने आपको बता दिया साउंड ऑफ आउल्स ठीक है और नॉक भी आपको पता है रात को आने वाले एनिमल्स दैट्स इट आपने ये चारों के चारों जो है हुटिंग साथ में ऐड कर लें और ये चारों के चारों जो है ये आपने क्या करने हैं नोटबुक्स में लिखने और इन पर सेंटेंसेस भी बनाने और ये याद भी करने हैं ठीक है तो फिर जब आप आओगे इसमें आपका टेस्ट होगा ओके बेटा दैट्स इट फॉर दिस वीक अनटिल दैट आपने सेफ रहना है बाहर बिल्कुल नहीं जाना हाथ प्रॉपरली धोएं अपना ख्याल रखें अम्मी का ख्याल रखें एंड हैप्पी रमज़ान अल्लाह हाफज एवरीवन